जरूर बताना मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या फिर फेल हुआ। तो गाइज मैंने एक व्लॉग का एंड अभी किया और एक व्लॉग अभी मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि कनव की हवा हो रही है खराब। ये कह रहा है वो बड़ी वाली लाइट उतार के ना ये छोटा वाला नाइट बल्ब लगाओ क्योंकि रात को ना बहुत अंधेरा हो जाता है, इसको डर लगता है देखो, अंधेरा हो गया था देखो, देखो। तो कह रहा है कि ना ये छोटा वाला नाइट बल्ब दोबारा से लगाओ मुझे रात को, मतलब ये नू तो नहीं कह रहा कि मेरे को डर लगता है पर कह रहा है ये लगाओ नाइट बल्ब। तो फाइनली कनव का वो छोटू सा बल्ब लग गया है, बजर बत्तू सा, ये देखो इसको इतनी रोशनी चाहिए रूम में, बात अब ये चैन से सो जाएगा। अब तो सो जाएगा, गुड नाइट कर ले। तो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। व्लॉग तो हमने रात को ही स्टार्ट कर दिया था जैसा कि आपने देख लिया पहले, पर अब हम छत पे आए हैं, ये पौधों में पानी देने आए हैं क्योंकि बहुत गर्मी होगी अब। और कनव कह रहा था मुझे सब छत पे लेके चलो, मुझे बलून फुलाने हैं। अभी दो दिन है होली में लेकिन उसको चैन नहीं पड़ रहा तो उसको छत पे लेकर आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मार गए के तो मुंह से निकाल इधर, ये मट्टी खा रही है और मट्टी ये पकड़ रहे हैं इसको तो भाग, बहुत तेज भाग रही है। थोड़ी छोड़ दे, भाग मत इसके बाद ये गगाओ ना मुझे मैं गंदी बच्ची, चलो भागो कनव, परेशान मत कर उसको, थोड़ दे खेलने दे। क्या है इसके मुंह में, पत्ता है निकाल दे, कोई नहीं पत्ता चबा दे, कीड़ा काड़ा ना हो उसमें, कुछ नहीं है कीड़ा काड़ा, मुंह फूल जा रहा है उतारा, उसको गर्मी लग रही है पानी में बैठ गई हो। पौधों का आज ये टिंग टोंग करेगी, नाम करना। दो दो पौधे तोड़े हैं, पूरा इनके जम के ऊपर बैठ गई, इनके ऊपर फैल गए। तुझे पता है इनको पौधे से कितना प्यार है, मेरे से भी ज्यादा पौधे से प्यार है। तेरे से कोई होता ना तो कुट जाता अब तक तो। सोफी मारो इसको नीचे भेज दो, सोफी नहीं 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 चढ़ गई ओ तारे कर दिए आगे सारी तुल तुलते सब सब की बैठ मचा दी, वो बैठ गई वहां पे। आप फोन पकड़ो, मैं इसको बाहर भेजती हूँ, गेट खुलाओ जीने का। हाँ। बारा। उतरो। सारे पौधों का कर दिया नासिर ने। तो ये रेडी हो गए फैक्ट्री के लिए और ये जा रहे हैं फैक्ट्री फाइनली 12 बजे। थोड़ा काम था ना इस वजह से रुक गए थे ना। हाँ हाँ छत पे मस्ती भी तो करने गए थे ना। नहीं थोड़ा सा यहाँ पे भी काम। और आज मैंने फुलवारी पहनी है, फुलवारी। हाँ, तो इनको ना बड़ी अच्छी लगती है वाली शर्ट, मैंने कल ही प्रेस करी थी, मैं बहुत दिन से कह रहे थे कि यार मेरे को ना वाली शर्ट पहननी है, प्रेस कर दियो। मैं चल यार कर ही देती हूँ, अब तो इनको पहन ही लेंगे। अरे होली भी आ रही है ना, होली की सबसे बढ़िया अच्छी है। तो फाइनली अब मैं बनाऊंगी कनव के लिए माला और सामान मैं आप आपको दिखा देती हूँ। पहले सी ये कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े और ये चॉकलेट्स, हाइड एंड सीक बिस्किट कनव को बहुत अच्छे लगते हैं, केक, करंची देखूंगी करंची लगाऊंगी या नहीं, ये तो लगेगी नहीं शायद, और ये डार्क फैंटेसी, तो इनसे मैं माला बनाऊंगी। तो गाइज मैं जैसे पहले माला बना रही थी वाली ट्रिक हो गई फेल, क्योंकि उसमें तो यार एक ही माला में सारा मटेरियल लग जाएगा, अब मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। पहले मैंने ना खाली एक ही कॉर्नर पे किया था ऐसे करके, तो बहुत सारा सामान एक ही जगह इकट्ठा हो गया था। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ पे किया है और एक यहाँ पे किया है, तो अब ये ना ऐसे आ जाएगी, मतलब ये इस धागे को ना थ्रेड को पूरा कवर करेगी, तो जो जो भी पीस लगाऊंगी अब वो कवर करते जाएंगे। पहले क्या हुआ था, ये सारे ना ऐसे बंच इकट्ठा हो गया था, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लगता है, मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। तो गाइस फाइनली कनव की दोनों माला रेडी हो गई है।
चॉकलेट और डार्क फैंटेसी और नीचे ये डार्क फैंटेसी और नीचे मैंने लगा दिया ब्रिटानिया केक। थोड़ी सी हैवी सी हो गई है, वेटेड हो गया है, पर चल जाएगा काम। नहीं कल ही पहननी है। तो गाइज मैं एक चीज और बना रही हूँ, पर ये कनक के लिए नहीं है। मेरे पास है ना ट्रे रखी थी पहले की, पता नहीं कब आई थी, अभी आई थी कुछ दिन टाइम पहले। तो उसे मैंने ये सारा सामान सेट कर दिया, ऐसे केक और ये बिस्किट और ये डार्क फैंटेसी कुरकुरे टेढ़े मेढ़े और चॉकलेट। अभी मैंने इस पर पन्नी लगा के ना इसको डेकोरेट कर दूंगी। ये किसी और के लिए है, तेरे लिए नहीं। सैड हो, तेरा सौदा पूरा हो गया, हट जा। ये मेरा सौदा है। हाँ तो अभी छेड़ मत पर उसको। मेरे पास ना ये पैकिंग की पन्नी है जिसमें सूट की साड़ी वगैरह पैक करते हैं। इसके अंदर ना ये ट्रे आई थिंक पूरी आ जाएगी, मैं ट्राई करती हूँ। ऐसे कैसी फाइनली ये ट्रे रेडी हो गई है। ये किसके लिए है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो गाइज कनव और कनव के लड़की तो गए हैं और उसकी बुआ के यहाँ होली का सामान देने, और मैं अभी फ्री हूँ तो मैं कर लेती हूँ अपने कल की पूजा की तैयारी की। कल कौन सी ड्रेस पहननी है, उसके साथ की ज्वेलरी, और सबसे पहले तो मैं अपना नेल पेंट लगाऊंगी क्योंकि हमेशा रह जाता सबसे लास्ट में लगाती हूँ। आज मैं सबसे पहले यही काम करूँगी। तो गाइज आज मैं ना नेल पेंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखते हैं सक्सेसफुल होता है या फेल होता है। मैंने ना ये टूथपिक ली है जी, और इसको ना मैं गोल्डन नेल पेंट में डिप करके इसको ऐसे लगाऊँ। सी ये छोटा सा फ्लावर मैंने बनाया है, ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा, ये देखो डिज़ाइन सा बना दिया मैंने। बताती हूँ मैंने बनाया कैसे है। कैमरा भी होल्ड करना पड़ रहा है, अब एक हाथ में नेल पेंट हो गया, एक हाथ से नेल पेंट लगाना पड़ रहा है, तो कैमरे की सेटिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर फिर भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने लगाया कैसे है, बनाया कैसे है। नेल पेंट इसे मैंने ना टूथपिक डिप करी है, और अब मैंने ये इस पर ऐसे तीन डॉट बनाऊंगी, 1, 2 and 3। फटाफट से इससे पहले कि ये सूख जाए एक दूसरी टूथपिक से ऐसे ऐसे और ऐसे। गाइस स्पेशली लेडीज कमेंट करके जरूर बताना मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या फिर फेल हुआ। मेरे लिए थोड़ा थोड़ा वैसे पास हो गया क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है ऐसा कुछ, नहीं तो मैंने ना तो कभी घर पे कुछ किया है ना ही बाहर कहीं भी नेल आर्ट करवाया। फर्स्ट टाइम है जब मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा है या बुरा है। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को फॉर दिस। एक बार ये नेल पेंट सूख जाए फिर उसके बाद ना मेहंदी लगाती हूँ। अल्लाह अभी याद आया, मेहंदी लगा लूँगी तो वीडियो कौन एडिट करेगा और व्लॉग कौन ऐड करेगा? ओह माय गॉड, नेल पेंट सूखने देती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। सो गाइस टाइम हो गया है 11:15 बज गए हैं, ये 10 बजे आ गए थे, आके इन्होंने खाना मांगा तो मैंने दाल रोटी बना दी इनके लिए क्योंकि खाना खा कर नहीं आए थे। अब 11:15 बज चुके हैं तो अब मुझे वीडियो एडिट करना है और मेहंदी लगाने का प्रोग्राम कैंसिल क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाएगा। तो अब हम करते हैं इस व्लॉग का एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये नेल आर्ट कैसा लगा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स टू ऑल।